अस्सलाम वालेकुम मेरे फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर रेसिपी और आज हम बना रहे हैं रेड वेलवेट कुकीज़, जो कि मेरी और मेरी बच्चों की बहुत फेवरेट है। सो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। एक बोल में मैंने एक अंडा ले लिया है, 200 ग्राम मैदा वाइट फ्लावर, हाफ कप ब्राउन शुगर, 1/4 कैस्टर शुगर, हाफ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल होना चाहिए, कोई फ्लेवर ऑयल नहीं, कोई मस्टर्ड ऑयल नहीं, कोई सेसमी ऑयल नहीं। इसके ऑल्टरनेट पे आप बटर भी ले सकते हैं, हाफ कप। 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट से बहुत डेंस और स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट आता है, मिठास को लेवल कर देता है। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा आपकी कुकीज़ को चूई बनाता है। अगर आपको चूई नहीं पसंद, एयरी पसंद है, तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। रेड कलर लेना है हमने, और ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। 1/4 कप हमें लेना होगा कोको पाउडर, लाइट डार्क आप दोनों ले सकते हैं। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने अच्छी बेकिंग करनी है तो आपके पास ऐसे बेकिंग मेजरिंग कप्स ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि घर के प्यालों से बोल से आप मेजर नहीं कर सकते तो आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, रेसिपी शुरू करते हैं। बोल में अंडा मैंने डाल लिया है, इसी में मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो चीनी और ऑयल को पहले बीट कर लें, अंडे को बाद में डाल दीजिएगा। मैं ये साथ कर रही हूँ। इसके अंदर अभी हम डालेंगे हाफ कप ब्राउन शुगर, फिर हम इसे बीट करेंगे। साथ ही मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इतना विस्क करना है कि शुगर डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। अगर डिज़ोल्व नहीं होगी तो आपकी कुकीज़ में मोटी मोटी चीनी पता चलेगी। वैनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है आपके पास तो स्किप कर दें, चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। रेड लिक्विड कलर लिया है मैंने, अगर आपके पास जेल कलर है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर कलर नहीं है तो आप कलर स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स अब मैंने सारे इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे, क्योंकि फिर ऊपर एकदम से पहाड़ बन जाता है और फिर आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम होता है। पर हर चीज़ आपने छान के डालनी है। यहाँ पे मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा भी डाल दिया है। बेकिंग सोडा हम क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें चुई टेक्सचर चाहिए। अगर आपको एयरी टेक्सचर चाहिए, यानी कि फूला फूला फ्लफ़ी, पर वो चुई नहीं होगा, वो केकी टेक्सचर होगा, उसके लिए आपने बेकिंग पाउडर डालना है। बेहतर ये है कि आप बेकिंग सोडा डालें, उससे आपका चुई फ्लेवर बहुत अच्छा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स, वेट इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर दिए हैं, तब ऐड किए हैं जब अच्छी तरह से चीनी डिज़ोल्व हो गई है। अब इसके अंदर मैं वाइट चॉकलेट ऐड करूंगी। आप चाहें तो वाइट चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट से बहुत अच्छा आपका ना रिच टेक्स्चर आता है। यहाँ मैंने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है। मैंने डार्क कोको पाउडर लिया है, इसलिए रेड कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। आप अगर यूज़ करें, आपको अगर ब्राइट रेड कलर चाहिए तो फिर आप लाइट कोको पाउडर यूज़ करेंगे। आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा। मीनवाइल मैंने अपना ओवन प्री हीट किया 10 मिनट्स पे 180 डिग्री, दोनों रॉड ऑन करके। फ्रिज से बाहर निकालने के बाद अब मैं इसकी राउंड बॉल्स बना रही हूँ। बॉल्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब इसमें हीट लगती है तो ये बॉल्स अपने आप खुद ही बैठना शुरू हो जाती हैं। बेकिंग सोडा इस मकसद के लिए भी डाला जाता है कि जब उसको हीट लगती है तो आपकी चीज़ फैलना शुरू हो जाती है, यानी कि बैठना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम बस इसको बॉल बनाएंगे। फ्रिज में इसलिए रखते हैं ताकि डो आपकी थोड़ी फर्म हो जाए, ताकि आपको बॉल बनाने में आसानी हो। अगर आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो आपको बॉल आप नहीं बना पाएंगे और वो बहुत आपके हाथों में स्टिकी स्टिकी लगेगा। बीच में गैप दे दे के आपने ट्रे में रखना है। चिपका चिपका के रखेंगे तो वो सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे। यहाँ मैंने ओवन में डाल दिया था 12 मिनट्स के लिए, आप चाहे तो 15 मिनट्स भी, टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओवन। और हमारे बेहतरीन कुकीज़ रेडी हैं। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फैले भी नहीं, बहुत ज़्यादा इनको मैंने फ्लैट भी नहीं किया,
स्टैंडर्ड साइज़ के फूले हुए चुई ये कुकीज़ हैं। आप एक बार बनाएंगे और उसके बाद मुझे यहीं आके कमेंट में कहेंगे कि मैंने आपको क्या रेसिपी बताई है। बहुत मज़े के होते हैं और आप ये बना के भी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं आराम से, हफ्ता आप स्टोर करें इसको। एयर टाइट जार में रखिएगा या किसी बकेट में रखिएगा, मैं बकेट में बना के रखती हूँ। और यहाँ हमारे ऊपर क्रैक्स भी आ गए हैं। कुकीज़ की पहचान ये है कि उसमें क्रैक्स आने चाहिए ऊपर, और वो इसलिए आते हैं जब हम इसमें शुगर की जो क्वांटिटी है ना वो अच्छा डालते हैं, शुगर का वॉल्यूम। अंदर से देखिए कितना चुई और फजी टेक्सचर है। रेड वेलवेट कुकीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।